हेलो एवरीवन। सो शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है, कॉस वन सी इज ग्रेटर देन साइन सी। यू हैव टू टेल मी इट इज ट्रू और फॉल्स। सो हुआ क्या, आपने जैसे ही ये देखा, आपने अपना सर्किल बनाया, यहां पे पहुंच गए। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि अगर मैं यहां पे 45 डिग्री का एंगल बना दूं तो होता क्या है, ये जो एरिया है, दिस इज कॉस डोमिनेटेड एरिया। और ये वाला जो एरिया है, दिस इज साइन डोमिनेटेड एरिया। अच्छा, 45 से आप देख लो ऊपर जलना शुरू होगा, तो आपके पास एंगल्स की वैल्यूज आपको पता है साइन और कॉस में, आप वहां से भी अंदाज लगा सकते हैं, है ना। और बाकी आप यूनिट सर्किल से तो आप सोच ही सकते हैं। तो कभी भी ऐसा होगा तो आप थोड़ा सा वही यूनिट सर्किल में जाने की कोशिश करिए, तो आपको अंदाज आ जाएगा कि अच्छा भाई क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अब वन सी इज अप्रोक्सीमेटली आपका 57 है, यानी कि यहां कहीं पहुंच गया, साइन डोमिनेटेड एरिया में पहुंच गया, तो इसका मतलब ये जो हमारा है, ये आंसर जो है ये फॉल्स हो गया। तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जरा उसको बताइएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू -1000 डिग्री, डिटरमिन द साइन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन रखिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। थीटा जो है 0 से π/4 के बीच में है, और T1 जो है वो दे रखा है 10 थीटा टू द पावर 10 थीटा, T2 दे रखा है 10 थीटा टू द पावर cot थीटा, T3 दे रखा है cot थीटा टू द पावर 10 थीटा, एंड T4 cot थीटा की पावर cot थीटा। तो अब आपके पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, तो जरा सोचिए क्या आंसर सही होगा। चलिए जी शुरू करते हैं। सिचुएशन क्या है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4। अब थीटा जो है 0 से π/4 है, और 10 थीटा और कॉट थीटा की बातें हो रही हैं। तो अगर थीटा 0 है तो 10 थीटा क्या होगा, 10 0 इज 0। और अगर थीटा π/4 है तो 10 π/4 क्या होता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर थीटा 0 से π/4 के बीच में कहीं लाई करता है तो 10 थीटा जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आपके सामने पावर्स में लिखे हुए हैं, तो अब हमारे पास क्या है, 0 से 1 के बीच में बहुत सारी ऑप्शंस हैं भाई। हम 10 थीटा को 1/2 रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो सबसे आसान क्या होगा, 10 थीटा को हम हाफ रख लें। अब जैसे ही हमने 10 थीटा को हाफ रखा तो हमारा T1 क्या हो जाएगा, हाफ की पावर हाफ। ठीक है, T2 हमारा क्या हो जाएगा, हाफ की पावर 2 हो जाएगा हमारा। T3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर हाफ, और T4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। भाई ये बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को, और अगर ये क्लियर हो गई तो बस अब आपको तो इनकी वैल्यूज ही बतानी है। बहुत ही आसान है, अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। और ये ऑप्शन बी जो है ये दिख रहा है भाई, T4 जो है 4 है, तो ये सबसे बड़ा यहीं पे ही है। एक्चुअली में अगर आपको T4 समझ में आ गया तो उसके बाद तो आपको ऑप्शंस देख के ही अंदाज आना चाहिए कि भाई आप कुछ नहीं करना इसके बाद। T4 क्लियरली लार्जेस्ट है, तो और वो लार्जेस्ट सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, तो
दैट मींस योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाकी तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी दिख ही रहा है आपको, आप कर सकते हैं आराम से. अब ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके का आया था जेईई 2006 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं बड़े आराम से. क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा एंड फाई, इसको फाई बोलते हैं, आर एक्यूट एंगल्स सेटिस्फाइंग साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3, देन थीटा प्लस फाई बिलोंग्स टू. अच्छा, अब एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पे कुछ अलग अलग काई के ब्रैकेट लगाए हैं, ठीक है. एक ब्रैकेट तो आपका ये है और एक ब्रैकेट ये है, ठीक है भाई. अब थोड़ा सा इनको समझ लें थोड़ा सा आप. अगर ये ब्रैकेट लगा होता है तो इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक. इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे ए लिख दूं और यहां पे बी लिख दूं और ये बोले कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इस ब्रैकेट के बीच में है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो है वो इस तरीके का होगा, ए और बी के बीच में होगा. अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स बिलोंग्स टू, अब ये क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे कि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है. जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को मैंने 10th में भी सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो इनइक्वालिटीज, तो वहां पे आपको बताया भी था थोड़ा सा शायद. तो ये डिफरेंस है दोनों में. क्लोज ब्रैकेट का मतलब है जो बाउंड्री जो है ये इसके इक्वल भी हो सकती है या ये वो भी इंक्लूडेड है. ओपन ब्रैकेट का मतलब ये कि भाई बाउंड्रीज जो है, यानी कि ये ए और बी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. एक्स जो है या तो ए से बड़ा है या ए से या बी से छोटा है. सिमिलरली हम मिक्स ऑफ ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएं तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स ए से बड़ा है लेकिन अब बी के केस में क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा. या अगर हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब ये होगा कि ए, ये चीज क्लियर है. तो ओपन ब्रैकेट का मतलब इक्वालिटी नहीं है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब इक्वालिटी भी है. अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे फटाफट यस लिख के भेज दो, वो यूज हुए हैं तो उनको ध्यान में रख के थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर बाकी मैं तो डिस्कस करूंगा ये अभी, है ना. चलिए, आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3, ठीक. अब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ तो क्लियर है, साइन की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, कौन से एंगल पे होती है, थीटा सब 30 डिग्री होता है ना, साइन थीटा या थीटा 30 डिग्री या पाई बाई 6, ठीक. अच्छा, कॉस फाई की ये 1/3 वैल्यू हमने नहीं सीखी, निकाल ली तो, पर हम एक अंदाजा तो लगा सकते हैं. तो क्या होगा, अब भाई 1/3 होता कितना है, 0.33 अप्रोक्सीमेटली, ठीक. अब कॉस की वैल्यू सोचने की कोशिश करें हम. कॉस में खास बात क्या है, जब ये आप यहां से इधर को मूव कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, तो जब आप यहां से यहां पे मूव कर रहे हैं तो कॉस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है ना, ठीक है ना भाई. ये कॉस की वैल्यू रिड्यूस होती है, यहाँ पे कॉस 0 इज 1 होता है, पाई बाई 2 0 हो जाता है. अच्छा, अब कॉस 60 की सोचें, कॉस 60 कितना होता है, अगर ये 60 डिग्री एंगल है
तो cos 60 होता है हमारा हाफ, ठीक है, यानी कि 0.5। इसका मतलब अब ये जो आप 0.33 की वैल्यू चाहिए और वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब कहीं यहां पे रहा होगा ये, इसका मतलब 60 से आगे होगा और 90 से कम होगा। इसका क्लियरली मतलब ये हो गया कि जो फाई एंगल होगा वो कहां होगा, 60 से ज्यादा, तो देखो ओपन ब्रैकेट लगाया है, और 90 से कम, कहीं यहां पे होगा। तो बस अब आपको पता चल गया, आपको पता है थीटा तो है 30 डिग्री, फाई 60 से 90 के बीच में है, तो भाई थीटा प्लस फाई कहां होगा, 30 प्लस 60 90 और 120, 90 को क्या बोलते हैं पाई बाय 2 और 120 को क्या बोलते हैं 2 पाई बाय 3। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है, बताएं मुझे। अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझ लें आप, इसको आप नोट कर लीजिए, क्या है कि अगर आपका ये अल्फा है 0 से पाई बाई 4 एंड बीटा अगर 0 से लेके, बीटा भी चलो 0 से पाई बाई 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की बातें करना शुरू कर देते हैं कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अगर अल्फा 0 से पाई बाई 4 है और बीटा जो है 0 भी 0 से पाई बाई 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सिंपल सी बात है, इधर 0 है इधर 0 है, दोनों ऐड कर दिया ये 0 हो गया, और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। अब अगर आप ये तो क्लियर ही है, बहुत आसान है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए भाई अल्फा माइनस बीटा इसके बारे में बताओ अब आप, तो आप क्या कहोगे, अच्छा भाई सिंपल सी बात है, अगर बीटा मेरा यहां पे है, तो अगर आपको इनइक्वालिटीज याद हो थोड़ी सी, तो अगर मैं इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी जो है पलट जाती है ना, जैसे आपने क्या होता है कि भाई 8 इज ग्रेटर देन 4, अगर मैं दोनों साइडों में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 4, अब इसमें से कौन सा बड़ा है भाई और कौन सा छोटा है, पलट गया ना, तो अब ये पलट गई आपकी, देखो ये ग्रेटर देन थी, अब ये लेस देन हो गई माइनस से मल्टीप्लाई करते ही। तो अब अगर मैं इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, हमारी इनइक्वालिटी जो है पलट जाएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस पाई बाई 4 से बीटा बड़ा हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे फटाफट। तो अब अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा, ऐसे करके सोच सकते हैं। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो इसको और अगर इसको मुझे ऐड करना हो तो क्या होगा, जीरो और प्लस माइनस फोर, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस माइनस लगा है भैया, माइनस बीटा जो है माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 प्लस 0, सॉरी ये पाई बाई 4 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरवल्स जो है काफी बार जो है पूछे जाते हैं, नई चीज शुरू कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स, मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा है साइन ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर साइन ऑफ ए माइनस बी हो तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अगर कॉस ए प्लस बी हो तो वो होता है
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इनको जरा आप नोट करें प्लीज। हाँ जी, अब देखें जरा, ये एक पॉइंट है पी जीरो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0। ये पॉइंट है कोई पी वन, ये एंगल जो है यहां से यहां तक ये है ए, दिस एंगल इज ए पी वन। उसके बाद है लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट है पी टू, ये एंगल है बी, और कोई पॉइंट पी थ्री हम कुछ ऐसा बना लें कि जो एंगल और ये है सेंटर ओ, तो एंगल पी थ्री ओ पी जीरो इज ए माइनस बी। ठीक है भाई, ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, पॉइंट अगर मैं पी वन के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं और अगर ये यूनिट सर्किल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकता हूं, कॉस ए और साइन ए, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जरा ये बताएं आप मुझे। भाई देखिए, हमने लिया यूनिट सर्कल यानी कि इसकी रेडियस क्या है, वन। अच्छा, जनरली हमने जब ये फॉर्मूलाज देखे थे तो हम इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसे ही लिखते थे। तो हम जो एक्स ओवर आर लिखते थे वो लिखते थे कॉस थीटा, और वाई ओवर आर इज इक्वल टू हम लिखते थे साइन थीटा, जब हमने फॉर्मूले रिडक्शन फॉर्मूला जो है प्रूव किए थे। अब आर की जगह है वन, तो इसका मतलब x ओवर 1 इज इक्वल टू cos थीटा और y ओवर 1 इज इक्वल टू sin थीटा, तो x क्या हो गया आपका cos थीटा और y क्या हो गया sin थीटा। अब थीटा की जगह मैंने a यूज कर लिया है, ठीक है, तो इसलिए cos a और sin a करके मैंने लिख दिए। अब बताइए क्लियर हुई कि नहीं बात, ये बताओ। यस, क्लियर हो गया कि p1 हमारा cos a sin a है, p2 cos b sin b है, और P3 जो है cos a माइनस बी और sin a माइनस बी है। तो अगर हम वैसे सोचें तो P1 O P2 भी तो हमारा a माइनस बी ही होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बताओ जरा। और पढ़ी थी आपने क्लास 10th में, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा था, और 9th में आपने सर्किल भी पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, एंड लिखना चाहिए एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, पढ़ा था हमने। तो अगर हमारे एंगल पी जीरो ओ पी थ्री इज इक्वल टू है एंगल पी वन ओ पी टू, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी बताएं जरा आप मुझे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉर्ड पी जीरो पी थ्री इज इक्वल टू कॉर्ड पी वन पी टू। कॉर्ड बना के देख सकते हैं आप, लाइन में खींच नहीं रहा हूं लेकिन आप बना के देख ही सकते हैं वैसे, है ना। अच्छा, अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब पी जीरो पी थ्री, इसको कॉर्ड आर्क लिख दिया, चलो कॉर्ड ही लिख देते हैं, चलो होल स्क्वायर इज इक्वल टू
पी वन पी टू होल स्क्वायर, ऐसा भी होगा। अच्छा अब पी जीरो पी थ्री, पी जीरो से पी थ्री तक ये जो कॉर्ड है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं हम उसमें से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू पी वन पी टू और दैट विल बी कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए होल स्क्वायर। अब बताइए बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको, बस अब कुछ नहीं करना, जरा इसको ओपन कर देते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है सब जगह, तो लगा देते हैं भाई। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस वन माइनस टू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए साइन बी। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस बी क्या हो जाता है भाई, वन, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वन होता है। तो ये वन हो गया और ये एक और वन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास टू माइनस टू कॉस ए माइनस बी। अब ऐसा ही कुछ यहां पे भी हो रहा होगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी वन देगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए फिर से वन देगा, तो ये टू हो गए, तो ये हो गया टू माइनस टू कॉस ए कॉस बी माइनस टू साइन ए साइन बी। ये टू कैंसिल हो गए, ठीक है जी, ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टू भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यही फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, आप चेक कर लें प्लीज। देखिए तो हमने करा क्या, साइन ए माइनस बी निकालना था हमने, तो हमने कॉस ऑफ 90 माइनस ए माइनस बी रख दिया और वहां से इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट किया, ब्रैकेट को तो 90 माइनस ए प्लस बी हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी का, उसको सॉल्व किया तो ये आपके पास ये आ गया। बताइए जी, तो यहां तक तो क्लियर ही है, साइन ए माइनस बी हमने कर दिया था, b को माइनस भी रख दिया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब जरा देखें tan ऑफ अगर ये देखा जाए कि tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, तो tan ऑफ a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है, तो और थीटा की जगह हमारे पास a प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए उसमें, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, अगर हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका टेन ए,
आप अलग से अपना करके देख लो, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया टेन ऑफ ए प्लस बी का, ये भी आपको याद रखना है। फिर ए की जगह बी की जगह फिर से माइनस बी रख दो तो टेन ए माइनस बी आ जाएगा विच विल बी टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी। बिल्कुल ऐसे ही आप कॉट के लिए भी डेवलप कर सकते हैं, वो आप करके देखिएगा। अभी तक आप देख लो आज बहुत सारे फॉर्मूले हमने अभी अभी में कर लिए, जरा देखो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक। और भैया मैं आपको बता दूं ये बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं लेकिन ये याद करने ही पड़ेंगे आपको, अगर ये आपको याद नहीं है तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, ये ध्यान रख लेना। तो अच्छा अब जल्दी से आप मुझे इस चीज की वैल्यू निकाल के बता दो, साइन ऑफ 15 डिग्री क्या होगा, जरा निकाल के बताओ। तो साइन ऑफ 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, चलो ये तो मैं ही निकाल देता हूं। तो साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, क्लियर है भाई। तो साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, माइनस कॉस 45 रूट 2 और साइन 30 इज 1 बाई, तो ये हो गया आपका 2 रूट 2 आ गया और रूट 3 माइनस 1, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो वैसे तो जनरली आपको यही याद होना चाहिए रूट थ्री माइनस वन ओवर टू रूट टू। तो साइन ये हो गई 15 डिग्री की वैल्यू। अच्छा अगर ये साइन 15 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 75 डिग्री के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, 90 माइनस थीटा का फंडा, क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे जल्दी से। तब आप लोग जल्दी से मुझे साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बता दो। साइन ऑफ 75 को आप कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, साइन 45 प्लस 30 करके लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 लिख लो, एक ही बात है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ कि क्या उसकी वैल्यू आ रही है। तो साइन 75 जो है आपका रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 रूट 2 आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 15 डिग्री के बराबर होगा, होगा। तो अब जल्दी से tan 15 की वैल्यू बताओ फिर क्या आएगी, tan 15 क्या होगा, sin 15 ओवर cos 15, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन ओवर रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा ये। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर 1075 की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी 2 प्लस रूट 3। तो 1015 2 माइनस रूट 3 और 1075 2 प्लस रूट 3। देखो ये वैल्यूज आपको दिमाग में होनी चाहिए अगर आप समय बचाना चाहते हैं अपना, तो क्योंकि कंपटीशन में अल्टीमेटली खेल वही है कि भाई आपका आधा सेकंड, एक सेकंड, दो सेकंड जो आप बचाएंगे वही आपको बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा आपको ये याद रहे, हर एक जहां पे नहीं करना होगा मैं वहां पे भी बता दूंगा कि भाई ये वाले फॉर्मूले मैंने बता तो दिए लेकिन आप उसको याद मत रखना, वहां पे लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो जहां पे आपको कह रहा हूं तो वहां पे आप कोशिश करिएगा कि वो याद करें, और याद ऐसे ही होंगे, लिख लिख के याद होंगे, क्वेश्चंस करोगे तभी याद होंगे। ओके चला एक जल्दी से एक चीज मुझे बता दो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स बता दो जल्दी से मुझे क्या होंगे। भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सीखा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सीखा था कि नहीं सीखा था? तो इसको जरा सीखा था तो जरा लगा के बता दो मुझे इसके क्या रूट्स आएंगे। केशव जी आप भी जरा चेक कर लें प्लीज। यार क्या करने में लगे हो तुम लोग। x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी यानी कि प्लस बी, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सिक्सटीन माइनस फोर यानी कि ट्वेल्व ओवर टू ए, तो फोर प्लस माइनस टू रूट थ्री ओवर टू यानी कि टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो एक्स हो गया टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, और अभी अभी हमने निकाले थे ऊपर, ये क्या है टेन फिफ्टीन डिग्री और ये क्या है टेन सेवेंटी फाइव डिग्री, तो यानी कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, टेन फिफ्टीन डिग्री एंड टेन सेवेंटी फाइव डिग्री। इस चीज को कई बार यूज किया गया है आईआईटी वाले क्वेश्चंस में, तो इसीलिए आपको बता दिया मैंने कि भाई अगर ऐसी क्वेश्चन आ गई तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए, अच्छा इसके रूट्स तो टेन फिफ्टीन और टेन सेवेंटी फाइव होंगे, ध्यान रखना जरा। साइन 99 डिग्री कॉस 21 डिग्री प्लस कॉस 99 डिग्री साइन 21 डिग्री, इसकी जल्दी से वैल्यू बता दो मुझे क्या होगा। भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो आप ये क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ, चलो मैंने स्मॉल में लिख दिया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि ये चीज क्या बन गई आपकी साइन ऑफ 99 प्लस 21 यानी कि साइन ऑफ 120 डिग्री। अब 120 डिग्री वैल्यू याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 180 माइनस 60 कर दिया, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 60 डिग्री का मतलब रूट थ्री बाई टू, समझ में आ गया। साइन ए इज इक्वल टू 5 बाई 13, कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5, फाइंड साइन ऑफ ए माइनस बी, जरा बताना क्या होगा। अच्छा चलो देखते हैं, है ना, साइन ए माइनस बी पूछ रहा है आपसे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए और कॉस बी की वैल्यू तो पता है, कॉस ए और साइन बी की वैल्यू हमको नहीं पता, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम तो भैया ट्रायंगल का सहारा लेंगे और निकाल डालेंगे। तो साइन ए, ये अगर ए है और ये आपको दे रखा है 5 और 13, तो ये आने वाला है 12। ऐसे ही ये अगर बी है और कॉस बी आपको दे रखा है माइनस 3 बाई 5, तो उसको मैं अगर मैं 3 और 5 लिख लूं और ये 4 हो गया। अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई हर एक के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आने वाली हैं, है ना, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास कॉस ए की दो वैल्यू आएंगी और वो क्या होंगी, प्लस माइनस 12 बाई 13, उसको हम प्लस माइनस इकट्ठे लिख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस अलग अलग लिखाने की जरूरत नहीं है, और यहां से साइन बी की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4 बाई 5। भाई क्लियर है, अब आप इस फॉर्मूले में रख दें तो साइन ऑफ ए माइनस बी, अब एक तो तरीका भी अलग अलग प्लस माइनस करके रख लो और दूसरा है थोड़ा सा समझ लें अपन कि क्या हो सकता है, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए है हमारा 5 बाई 13 और ये है माइनस 3 बाई 5, और माइनस यहां से आ रहा है प्लस माइनस 12 बाई 13 और यहां से आ रहा है प्लस माइनस 4 बाई 5,
अब देखो जब दो बार प्लस माइनस, ये एक्चुअली में चार केस बनने चाहिए, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस माइनस, लेकिन हो क्या रहा होगा, जब दो बार दोनों प्लस आ रहे होंगे तो प्लस ही आएगा, दोनों नेगेटिव आ रहे होंगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, और जब एक बार प्लस और माइनस आएगा और दूसरी बार फिर प्लस और माइनस आएगा तो उनसे फिर से माइनस ही आने वाला है। तो इसका मतलब आपके पास सीधा सीधा तरीका यह है कि ये आ गया, ये तो ठीक है, तो इस चीज को हम सीधा एक ही बार में बस प्लस माइनस करके उसको सेटल कर लें, 48 और 65। तो अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो आपकी जो आंसर्स आ जाएंगे वो होगा -63/65 और दूसरा हो जाएगा 33/65। क्लियर है कि नहीं है ये बता दो आप मुझे। क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है, एंड अल्फा बीटा लाई बिटवीन 0 and π/4। फाइंड टेन टू अल्फा, जरा कोशिश करें थोड़ा सा। चलिए टेन ऑफ टू अल्फा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखे हुए, तो एक बार बताइए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर लूं, टू अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, देखो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे तो टेन टू अल्फा ही बचेगा आपके पास। क्लियर ये बात? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे करके अरेंज कर लिया मैंने। अब ये क्या चीज दिख रहा है, ये टेन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हमने देखा था, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बताओ तो मुझे जल्दी। अब आपको चाहिए टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, जो कि हम यहां से और यहां से निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे तो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ना, तो ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा एंगल, और एक और बना लेते हैं ये अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 4/5, यानी कि ये 4 ये 5 तो ये हो गया 3, और ये है हमारे पास 5/13 तो ये हो गया 12। तो यहां से अब आपको दिख गई टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज। अच्छा एक चीज और सोचें, अल्फा और बीटा जो है 0 and π/4 के बीच में है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कहां पे होगा, तो अल्फा माइनस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, 0 and π/4 है, अगर आप माइनस बीटा कर देंगे तो भी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और ऐसे ही आप अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये भी तब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो एक ही वैल्यू लेंगे हम इस बार। तो अब क्या हुआ, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां से 3/4, टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए 56/33, तो ये आपका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, दो एंगल हैं ए प्लस बी, उनका सम दे रखा है 45 डिग्री। आपको प्रूव ये करना है कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2। जरा कोशिश करें जी, बताएं इसको। ऑलराइट, ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 दे रखा है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री माइनस ए।
तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस टेन ए और इंटू 1 प्लस टेन बी की जगह में, बी की जगह लिख देता हूं 45 माइनस ए। अब ये हो गया टेन ए माइनस बी फॉर्मूला, यहां पे अप्लाई किया जा सकता है हमारे को। तो ये क्या होगा, 1 प्लस टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन 45 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन ए, 1 प्लस टेन ए अभी भी चल रहा है यहां से, ये 1045 होता है 1, तो माइनस टेन ए और यहां पे ये हो गया 1 प्लस टेन ए। एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो गया 1 प्लस टेन ए प्लस 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, a plus b is equal to 45, तो 1 plus 10 a into 1 plus 10 b is equal to 2, ऐसा कई बार आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्लियर है जी, होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, x plus y is equal to pi by 4 और 10x plus 2y is equal to 3 है, तो find the value of 10x into 10y। एक क्वेश्चन करते हैं, वन प्लस टेन 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 2 डिग्री एंड सो ऑन, 1 प्लस टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, फाइंड n, करिए जी जरा इसको। देखो जी, अभी अभी आपको बताया था कि अगर a प्लस बी अगर 45 हो तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी किया था हमने, ठीक है जी, यही किया था और आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा याद रखना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45, तो 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 होता है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक, अच्छा 1045 तो 1 होता है, तो ये तो 1 प्लस 1, ये तो 2 दे गया, इससे पहले वाली जो टर्म होगी यहां पे वो होगी 1 प्लस 1044 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखो ये 44 और ये 1, कितना हो गया सम 45 डिग्री। ऐसे ही इससे पहली एक टर्म होगी 43 और उसको अगर इसके साथ अटैच करेंगे तो 2 43 प्लस 2 45, तो ऐसी ऐसी 22 टर्म्स आ जाएंगी 44 तक, है ना, जिसमें कि क्या हो रहा होगा 1 प्लस 10 1, इसको आप एक बार लिख लो चाहो तो 1 प्लस 10 1 इंटू 1 प्लस 10 44, और फिर एक और टर्म होगी 1 प्लस 10 2 डिग्री और इंटू 1 प्लस 10 43 डिग्री एंड सो ऑन, और एक ये 2 इससे आ ही चुका है, तो ये तो 22 टर्म्स होंगी, तो 22 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ और एक ये 2 की पावर 23 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 23 को इसने बोल रखा है भाई ये 2 की पावर n है, तो क्लियरली n इज इक्वल टू 23 है आंसर आपका। क्वेश्चन है, इफ x माइनस y इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 2, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x एंड y, करिए जरा सा इसको।
अच्छा चलो देखते हैं फिर, है ना। आपको दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, इसका मतलब x हो गया पाई बाई फोर प्लस वाई, और साथ में आपको दे रखा है कॉट एक्स प्लस कॉट वाई इज इक्वल टू टू। तो कॉट एक्स में जनरली हमें डील करना आता नहीं है भाई, हम नहीं करते, हमारा कोशिश ये यदि हम टेन एक्स में कर लें तो टेन एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर टेन एक्स प्लस वन ओवर टेन वाई इज इक्वल टू टू। अब टेन एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस वाई प्लस वन ओवर टेन वाई इज इक्वल टू टू। अच्छा अब देखो यहां पे जरा ध्यान देना, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस वाई क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी होता है, तो ये होगा टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन वाई, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन वाई। अच्छा अब आगे से ध्यान रखना है, कभी भी ये पाई बाई फोर प्लस समथिंग लिखाओ तो आप उसको तुरंत ऐसे लिख दो, ये इतनी स्टेप, ये स्टेप खा जाया करो मन मन में। तो टेन ए प्लस टेन बी क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन वाई, और वन ओवर टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, उल्टा कर देंगे इसको तो वन माइनस टेन वाई ओवर वन प्लस टेन वाई, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दी, तो ये हमारा हो गया वन माइनस टेन वाई ओवर वन प्लस टेन वाई प्लस वन ओवर टेन वाई इज इक्वल टू टू। एलसीएम ले लेते हैं जी, तो ये हो गया आपका टेन वाई प्लस टेन स्क्वायर वाई, और ये हो गया वन माइनस, सॉरी ये टेन वाई माइनस हो जाएगा, जब टेन वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टेन वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई और प्लस वन प्लस टेन वाई इज इक्वल टू टू। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, कर ही सकते हो आप, तो आपके पास आने वाला है थ्री टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, यानी कि टेन वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री और वन माइनस ऑफ वन बाई रूट थ्री। ठीक है, वन बाई रूट थ्री इसने पूछा स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहां से इसको तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब वाई जो हो गया कितना हो गया 30 डिग्री हो गया भाई। और अगर वाई अगर आपका 30 डिग्री हो गया तो एक्स क्या था, ये था हमने y को चेंज किया ना, तो y इज इक्वल टू था पाई बाई फोर, एक सेकेंड, हाँ x था हमारे पास पाई बाई फोर प्लस y, तो x हो गया आपका 45 प्लस 30 यानी कि 75 डिग्री। क्लियर है होपफुली।